वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाल दिया है। राज्यसभा की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है, अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाल दिया है। तो एक तरफ सीएम योगी ने अपना वोट डाला है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपना वोट डाल दिया है। और सपा इस बात का जिक्र कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बीजेपी पर आरोप लगाया है सपा ने, क्योंकि सपा को पहले से ही सेंधमारी का डर सता रहा था। हालांकि अब रिजल्ट शाम को आने शुरू होंगे, मतगणना शाम को शुरू होगी। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। विशाल, अभी क्या अपडेट है, क्योंकि सीएम ने भी वोट कास्ट कर दिया है, अखिलेश यादव ने भी वोट कास्ट कर दिया है। देखिए बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, अखिलेश यादव ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं वो जो है यहां से हैं। और सीधे तौर पर कह सकते हैं, देखिए सुरेश खन्ना इन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जा रहे हैं। और देखिए आपको बता दूँ कि इस वक्त लगातार सीएम जो है खुद भी यहाँ पर विधानसभा में मौजूद हैं और एक चीज़ों पर जो है निगरानी रखे हुए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन चीज़ों को जो है खुद बारीकी से देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, दो जो ऐसे नाम को लेकर कल चर्चा थी, वो यहां पर विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सपा कार्यालय अभी तक नहीं पहुंचे, जो सपा का विधानमंडल दल का जो कार्यालय है वहां पर नहीं पहुंचे। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि वो जो है बस कुछ देर के बाद यहां पर पहुंचे। तो फिलहाल आपको बता दें कि राकेश प्रताप सिंह पहुंचे हुए हैं, राकेश पांडे भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह इस वक्त जो है देखिए सीएम कार्यालय से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। देखिए आपको नीचे की तरफ जो है आपको जाते हुए दिखाई, हम कोशिश करेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि देखिए बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। सीएम कार्यालय से जो है सीएम से मिलकर राकेश प्रताप सिंह अभय सिंह निकले हैं। देखिए कार्यालय, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सीएम से मिलकर राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह निकले हैं, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब वहां से वो वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। तो देखिए हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो जो है यहां से निकले हैं सीएम कार्यालय से मिलकर। तो ऐसे में वो सीधे नीचे की तरफ जाएंगे, हम कोशिश करते हैं उन सबसे बात करने के लिए, क्योंकि देखिए सीएम कार्यालय पहुंचे थे लगातार, ये जो संकेत थे वो संकेत जो है उन्होंने दिए थे। सपा कार्यालय वो नहीं गए थे, सीएम के कार्यालय गए थे। ऐसे में क्या कुछ बातचीत हुई है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह और इनके साथ एक और विधायक, चूंकि काफ़ी दूर पर रोक दिया गया था, तो ऐसे में आपको मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बात करूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ से वो सीएम सीधे सीएम कार्यालय से निकल चुके हैं और आप देखिए वोट करने के लिए आ रहे हैं। मतलब साफ है कि लगातार जो अटकलें चल रही थी उन अटकलों पर बलमलता दिखाई दे रहा है। देखिए आपको बता दें कि सीएम कार्यालय से जो है तीनों विधायक निकले हैं, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे ये देखना होगा। लेकिन हाँ, अभी तक फिलहाल सपा कार्यालय में नहीं पहुँचे हैं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है फिलहाल उनको यहाँ पर आना था, लेकिन अभी देखिए हो सकता है कि यहाँ पर जो है नहीं पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें हैं सीएम कार्यालय से, फिलहाल जो है जो तीनों ही विधायक हैं, राकेश पांडे और इसके साथ साथ अभय सिंह और इसके साथ राकेश प्रताप सिंह, ये निकले हैं। लेकिन अब उस मुलाकात के बाद क्या कुछ मायने हैं ये देखना होगा। लेकिन देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस वक्त जो है तमाम विधायक जो है वो निकल रहे हैं। ऐसे में बस कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर वोट करने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं, देखिए आपको लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़ जो है वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से लगातार जो है तमाम विधायक वोट करने के लिए यहाँ से जाएंगे।